सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर रिएक्शन वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ कुछ अनकहीं ड्रामे के ऑल 5 टीजर्स पर। सो जैसे कि तुम लोग को पता है, इस ड्रामे में है सजल अली एंड बिलाल अब्बास। सो विदाउट एनी डाउट ड्रामा तो बहुत मस्त होने वाला है, क्योंकि भाई सजल अली एंड बिलाल अब्बास है इसमें, और ड्रामा बहुत ज़्यादा पीक पर भी आएगा, देखना एक दिन ड्रामा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, जल्दी से देखते हैं ऑल 5 टीजर्स ऑफ कुछ अनकहीं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो नाउ। अच्छा, फैमिली शो टाइप, फैमिली स्टोरी है पूरी, मतलब एंड हो भी सकता है फनी भी हो ये, क्योंकि ये दादा और ये दादी मतलब जिस ड्रामे में रहती हैं भाई, बहुत ज़्यादा फनी होता है यूजुअली, ज़्यादातर फनी ड्रामे में काम करते हैं सब। सेकंड टीजर, लेट्स पुट इट दिस वे, हम एक दूसरे के सामने कभी नहीं आएंगे। अगर किसी जगह तुम पहले पहुंच गई तो मैं वहां नहीं आऊंगा, और अगर मैं पहले पहुंच गया तो तुम वहां नहीं आओगी। डन। सारी दुनिया छोड़ के आपकी गाड़ी मेरी ही गाड़ी के सामने क्यों आकर खराब हुआ करती है? ये बात मैं अल्लाह से पूछ के बताऊंगी, वरना मैंने जो कसम खाई थी। अबे भाई, ये तो फनी है, फनी ड्रामा तो इतना तो पक्का है, किड पिड वाला ड्रामा है। बच्चा, तुम सिर्फ बच्चे हो। बच्चे अच्छा, फाइनली घर में आ ही चुका है वो। बाबा के बारे में तुमने कोई उल्टी सीधी बात की ना तो तुम्हें चोरी मारने से पहले सोचूंगी। ओ भाई, मस्त एक्टिंग है यार सजल अली की। बिलाल अब्बास भी मस्त एक्टिंग कर रहा है। जाके ताजमहल ले लो, तुम मरोगी ना, बनवा दूंगा। मेरे क्लाइंट के गेट पे अपने मंजन का इश्तिहार भेज रहे हो? पिछले 15 साल से इसकी प्रॉपर्टी मैं हैंडल कर रहा हूं। अबे 15 साल तुम्हारी उम्र नहीं है, 15 साल से हैंडल करो। बहुत ज्यादा फनी स्टोरी भाई। पहले भी ऐसे लड़ चुके हो या आज पहली बार ऐसा हुआ है? पहले 6 साल बाद। दोनों के आंसर सेम। टीजर 4, कर दो पहली, मन भर की बोरी हो गई। और बहुत ज्यादा खिटपिट वाला ड्रामा है, जैसे चुपके चुपके ड्रामा था और इकरादीस का ड्रामा था, वैसे टाइप का पूरा। अब बिना ही के सत्यानाश कर लोगी तुम अपना। अम्मा, फनी खिटपिट वाला जो ड्रामा था, बहुत मजा आता देखने में। हम तो जैसे मरीख से उठ के आए। इस खबर तूफानी किस्म की अम्मा दी है अल्लाह मियां ने। अरे नहीं बेटा, ये तो इनका रोमांस है। कहती है हफ्ता बाद लड़ाई अगर होती रहे तो दिल भी साफ रहता है और मोहब्बत में इजाफा भी होता रहता है। वाह, मुझे इसका मर्दों वाला काम और ये खुद मुख्तारी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घर का खर्चा वही चला रही है शिनो पे। 10 सालों से हर रोज कोर्ट जाते हैं, रोजाना डॉक्यूमेंट्स की फाइल में अपने खोए हुए ख्वाब ढूंढते हैं, एक मिलता है तो दूसरा खो जाता है। आजकल कोई तालीम और तरबियत नहीं देखता लड़कियों में, सब पैसा देखते हैं। कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो छत तक नहीं रहेगी इनके सर पर। सो दिस इज द लास्ट टीजर ऑफ कुछ अनकहीं। हटे मेरे सामने से, हमारे घर के। अरे ये कौन आ गई भाई? नहीं या हमारे घर में जबरदस्ती घुस के बैठ जाओ, एक ईंट भी नहीं दूंगा तुम्हें मैं इस घर की। अच्छा, ज्यादातर ये जो अंकल हैं जिस तरह में रहते हैं, आगा हूं जो अपना, उनके लिए कोई ना कोई आ ही जाता है, कोई नई हीरोइन टाइप। तुमने अब देखो आगे क्या होता है। ये पर्दा हटा दो, दिखा दो। इस घूमे हुए दिमाग के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया मैं। 60 साल की उम्र का तो ख्याल रख लो। 60 बरस का किसे कहा तुम? नहीं, 25 के हो तुम। चलो लगता हो ना। बहुत फनी है भाई ये। मेरे हाथों में सेम वैसे कतल वतल हो जाए, सेम वैसे ही ड्रामा यार ये। मौत से डर नहीं रहता। मैं तुम्हें छोड़ूंगी। डायलॉग तो एक से बढ़ गया है कि भाई ड्रामा सजल अली एंड बिलाल अब्बास बहुत ही मस्त एक्टिंग करा यार। इस जितने भी टीजर्स थे सभी में जिस तरीके से खिटपिट वाली लड़ाई जो रहती है इनकी, बहुत मस्त तरीके से, एंड जो स्टोरी टाइप है ये पूरी पूरी चुपके चुपके एंड सुमो चंदा टाइप की है, मतलब जैसे कि उसमें फ़नी तरीके से रहती है पूरी स्टोरी, इसी में भी वैसे ही टाइप का है पूरा, पूरा जो टचअप है स्टोरी का वैसे ही टाइप। और वो जो दादा थे उनकी भी एक्टिंग बहुत मस्त थी यार, बहुत मज़ा आया देखने में। सो काफ़ी अच्छी लगी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी जरूर बताना कमेंट्स में। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।